हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई और एक व्लॉग के साथ। आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी लेट हूँ व्लॉग डालने के लिए। बहुत ही बिजी था फर्स्ट टू मंथ्स ऑफ लाइक 2023। देवांश का बर्थडे था, हम लोग का एनिवर्सरी था, आर्यांश का बर्थडे था, तो मैं पूरा पैक थी और टाइम नहीं हो पा रहा था। सो फाइनली आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए आर्यांश का बर्थडे का व्लॉग। मैं DIY किए थे हम लोग, जो डेकोरेशन था, एंड आई होप आप लोग को कुछ आइडिया मिलेगा अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। एंड चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। बर्थडे का जो प्लानिंग है मेरे दिमाग में कब से चल रहा था कि मुझे वाइल्ड थीम करना है, तो मैं वाइल्ड थीम बर्थडे पार्टी ही हम लोग रखे थे। और फोटो बोर्ड जो होता है 12 मंथ्स का, मैं एवरी मंथ फ़ोटो लेती थी, आर्यांश का, देवांश का भी ली थी, उसका वीडियो मैं आप लोग से शेयर की थी। तो ऐसे ही 1-2 करके स्टिकर लाए थे, एक बड़ा सा कार्टन था उसको हम लोग कट किए हैं बॉक्स को, एंड वाइट पेपर ऊपर से दे के हम लोग ऐसे बनाए हैं आर्क शेप में, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप कोई भी थीम कर रहे हैं ना, ये आप कर सकते हैं, सो इजी, एंड बहुत अच्छा लग रहा था डेकोरेशन में। एंड संडे को पार्टी था, तो हम लोग फ्राइडे नाइट का ये हम लोग देख सकते हैं, बलून्स बहुत सारा था। मैं 3 पैकेट्स ऑफ बलून गार्लैंड ऑर्डर की थी, क्योंकि एनिवर्सरी में मैं 1 पैकेट ऑर्डर की थी तो मुझे कम लगा था। उसका वीडियो भी कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मैं की हूँ लेकिन आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। ट्वेंटी फिफ्थ को बर्थडे था आर्यांश का, एंड 26th को पार्टी था, तो मैं सुबह उठ के भगवान जी को खीर चढ़ाई थी। हम लोग के घर में ट्रेडिशन है कि बच्चे का आरती जो उतारते हैं और पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ऐसे ही कुछ, तो हम लोग ऐसे ही कुछ सेलिब्रेट किए थे मॉर्निंग को। हैप्पी बर्थडे आर्यांश, आज क्यों मान ही गला? मेरे दोनों सिस्टर इन लॉज यहाँ पे रहते हैं, तो दोनों ही आए थे, फ्राइडे को ही आ गए थे, तो काफ़ी घर जैसा फील हो रहा था। मम्मी पापा से हम लोग बहुत दूर हैं, बट यू नो लग रहा था कि कोई है घर में, जैसे करके अच्छा लग रहा था। वो लोग भी आरती करती है जैसे घर में करते हैं, जितने भी मम्मी चाची बड़ी माँ जो भी होते हैं करते हैं, वैसे ही कर दिए थे, एंड बहुत ही अच्छा लगा था। और एक ट्रेडिशन है कि कुछ प्लेट्स में रखते हैं बच्चों को, ये मैं नहीं जानती थी, मेरे सिस्टर इन लॉज ही बताया करने के लिए, एंड इट वाज रियली फन, यू नो, बच्चे कौन सा पकड़ते हैं वो देखने के लिए। आर्यांश पेन उठाया था, कुछ गोल्ड रखते हैं, चॉकलेट्स रखते हैं, बुक्स रखते हैं, ट्रेडिशनल ग्रेन्स रखते हैं, ऐसे कुछ है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, एंड डिफरेंट स्टेट में भी ये होता होगा मुझे जितना पता है। एंड मॉर्निंग जो था काफ़ी बिजी था, हम लोग बहुत फन किए, फ़ोटोज़, पिक्स, और फिर पूजा, लंच सब ख़त्म होके हम लोग फिर इवनिंग को लग गए हैं डेकोरेशन का जो भी काम है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, बट यू नो द रिजल्ट वाज रियली गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। फोटो बहुत, जैसे कि वाइल्ड वन है तो कुछ लेव्स का स्टिकर है वो हम लोग लगा रहे हैं, एंड बलून गार्लैंड का मैं बताऊँ तो हम लोग फ्राइडे नाइट से ही इसको ब्लो किए थे और क्लस्टर बना लिए थे एक एक बंच करके, तो जैसे कि ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, यहाँ पे मेरी ननन, मेरे फ्रेंड्स लोग सब बैठ के बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हो गया, जैसे कि बलून्स हम लोग बहुत बड़ा जो ट्रैश बैग होता है उसमें हम लोग रख दिए, और रात के लिए हम लोग पानी पूरी बनाए थे, सबको मन किया कि पानी पूरी खाना है, तो हम लोग पानी पूरी का पार्टी था। फाइनल द बर्थडे डेकोरेशन डे, तो मैं घर में थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आर्यांश को सुलाना ज़रूरी था उसको, नहीं तो वो क्रैंकी हो जाता, तो मैं नहीं आई थी, तो बहुत अच्छे से क्लिप्स तो नहीं आए, बट अपने फ्रेंड्स जो हैं कुछ कुछ लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जो डेकोरेशन है 3 पार्ट्स है, बैकड्रॉप हो गया, बलून गार्लैंड हो गया, एंड जो टेबल डेकोरेशन, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो वो बलून तो हम लोग घर में कर लिए थे, बट लगाना काफ़ी टाइम लगा था, बलून मुझे ऑलमोस्ट 3 पैकेट्स लगा था। मैं इन्फो बॉक्स में जो भी मैं ऑर्डर की थी मैं दे दूंगी लिंक। और जो ग्रीन मैट देख रहे हैं मैं अपने फ्रेंड से लेके आई थी, वाइट कॉटन्स भी आप लोग देख सकते हैं वो भी मैं लेके आई थी अपने फ्रेंड से, एंड ग्रीन कलर का जो सिक्वेंस है वो मैं ऑर्डर की थी अमेजोन से, एंड आप लोग देख सकते हैं बलून्स, जैसे कि मैं बोली कि काफ़ी टाइम लगा था, हम लोग क्लस्टर किए थे तो काफ़ी ईजी हो गया,
एंड एनिमल्स हैं बहुत टाइप का, अपने फ्रेंड जितने भी सबके घर में बच्चे हैं तो सबके घर में सॉफ्ट टॉयज तो रहता ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं कुछ कुकीज़ लेके आई थी, चॉकलेट्स लेके आई थी, डोनट्स लेके आई थी ताकि जो टेबल डेकोरेशन है वो अच्छा दिखे। छोटे बच्चों के साथ डेकोरेशन जो है ना काफ़ी हेडेक है, लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं, डाउट तो आ रहा था, बट लग रहा था हम लोग कर लेंगे घर के। बहुत ही अच्छा लगा लास्ट जो एंड रिजल्ट है, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा। एंड मे बी अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ आइडियाज़ आप ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर टेबल डेकोरेशन का सब कुछ चल रहा है एंड नाउ आप लोग को दिखेगा पूरा फुल लुक। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सब कोई लाइक पूछ रहे थे कि यू नो इट्स जस्ट लुकिंग लाइक ए प्रोफेशनल डेकोरेशन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे खाना रह गया, सब खाना नहीं आया है। यहाँ पे टेबल्स है, टेबल ये डेकोरेशन है दोनों तरफ, और यहाँ पे है मेन डेकोरेशन। यहाँ पे कॉलम्स है, यहाँ पे गिफ्ट टेबल है, यहाँ पे ये बैकड्रॉप के साथ ये टेबल है, केक टेबल है, केक नहीं आया अभी तक। और यहाँ पे आर्यांश का जो 1 ईयर बोर्ड मैं बनाई थी ये हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्यू क्लोजअप्स लुक पूरा डेकोरेशन का। बहुत ज़्यादा मैं टेंशन ली हूँ फ्रॉम लास्ट 20 डेज लग रहा था, बट वर्थ था। फाइनल जो फाइनल लुक था ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फाइनल केक टेबल का लुक। ये जो फ्लावर वेस है ये मेरी फ्रेंड से मैं लेके आई थी, और केक आप लोग देख सकते हैं वाइल्ड वन का मैं ऑर्डर की थी। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम में शेयर की थी हैंडल जिससे मैं ऑर्डर की थी। अगर आप शार्लट एरिया में रहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम में, मैं आपको इन डिटेल्स दे दूँगी। बहुत ही अच्छा केक था एंड मैं अपनी एनिवर्सरी में ऑर्डर की थी, एंड ये हम लोग का सेकंड केक था। केक कटिंग जब हुआ ऑलमोस्ट आर्यन सोने को था, तो हम लोग क्विकली केक कट कर लिए थे। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं खाने पे हम लोग का, मैं ऑर्डर की थी आउटसाइड से, घर से हम लोग का बना था आम पन्ना बना था वो। यहाँ पर लोग जैसे जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एंड बाकी सब जितने भी खाना है हम लोग आउटसाइड से ऑर्डर कर लिए थे। घर से और एक डिश हम लोग लेके आए थे मिष्टी दही, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई थी, बहुत ही अच्छा बना था वो। एंड ये था आज का छोटा सा व्लॉग, मैं ट्राई की हूँ कुछ कुछ क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। स्टिल मुझे लग रहा है जैसे कि बलून गार्लैंड का मैं पूरा वीडियो ली थी मिस हो गया है, मैं बहुत ट्राई की ढूंढने के लिए फिर भी मुझे नहीं मिला। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आप लोग को आंसर करूँगी। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं डू फॉलो मी ओवर देयर, मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एक्टिव रह रही हूँ आजकल, ट्राई कर रही हूँ ताकि किसी आप लोगों से कनेक्ट होकर रह पाऊँ करके, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है एक्टिव रहने के लिए। एंड फिर भी मैं ट्राई करूँगी एवरी वीक एटलीस्ट 1 वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट कर पाऊँ। आई एम सो सॉरी अगेन, दिस टाइम बहुत ही लेट हो गया।
ये था आज का डे। एट द एंड पूरा सब कुछ हम लोग को क्लीन करना पड़ा। मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ही हेल्प किए। सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, पूरा क्लीन अप है। टेबल्स जहाँ पे जैसा था वैसे करके हम लोग सब कुछ करके हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। एंड आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।